अनबॉक्सिंग के चैनल पे अगर अनबॉक्सिंग ना की जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आज हम अनबॉक्स करने वाले गाइस एक माउस पैड जो कि रेडगियर की तरफ जाता है और MP35 मॉडल है इसका। तो इससे आपके कितने FPS बढ़ने वाले हैं वो इस वीडियो में आप देखो। इससे आप आपके 55 लाख FPS को ज्यादा आने लगे। तो हम देखते हैं गाइस किससे हमारे PC में कितने FPS बढ़ते हैं। फुल टेस्ट बाजी होगी वैलोरेंट के साथ और क्या फुल फोर्स भाई, इसका फुल रिव्यू दूंगा। वाटरप्रूफ है या नहीं है, फुल कत्ता ही जहर होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। बेसिकली हम इस चैनल पे अनबॉक्सिंग गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस डाल रहते हैं। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन्हीं चीजों में, इन्हीं सारी चीजों में, तो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। तो हम करने वाले गाइस अनबॉक्स, तो फटाफट से देख लेते हैं क्या कुछ इसमें मिलता है। बेसिकली अमेज़न ने तो भाई, और हमारा लेजेंड चक्कू आ चुका है। तो लेट्स अनबॉक्स। तो देख सकते हो गाइस इसमें जो हमारी जो है सील ना हो उतरी, खुली पड़ी सील। अरे मैंने खोली थी। तो गाइस सिंपल अनबॉक्सिंग है। सबसे पहले ये फ्लैप खोलना, उसके बाद ये फ्लैप आपको पता ही होगा, फिर ये सीधा कर देना है। ये ऑप्शनल है, सीधा करो या ना करो देख। उसके बाद हमारा जो लेजेंड बाहर आने वाला है उसका इंतजार है, बस उसका ही इंतजार है। तो गाइस देख सकते हो कितना खतरनाक वो भाई साहब। फर्स्ट रिएक्शन, मैं इसको यहां पे चिपकाने वाला हूं गाइस। ऐसे ऐसे वैलोरेंट खेलने वाले गाइस हम। क्वालिटी तो खतरनाक है, सच बता रहा हूं। और भाई बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं मिलता। अरे एक चीज भूल ही गया मैं गाइस, एक चीज भूल ही गया मैं। ये देख रहे हो, आपको मिलता है लेजेंड लोगो रेडगियर की तरफ से, जो कि आप कहीं पर भी चिपका सकते हो। यहाँ पे आप मतलब चिपका सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी अपने PC के ऊपर। तो गाइस माउस पैड के बारे में अगर मैं सीरियसली बात करूँ तो खतरनाक लेवल का माउस पैड मुझे लगा, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है। इससे वाटरप्रूफ नहीं है, ये वाटरप्रूफ नहीं मिलता। तो इसको गाइस हम ऐसे रखने वाले हैं कुछ, और देख सकते हो ओल्ड वाला मैं दिखाऊं अगर आपको, ओल्ड वाला जो हमारा था उसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप दंग रह जाओगे। ये है मेरा ओल्ड वाला, और ये पीछू। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिल्कुल मत भूलना गाइस। और एक फ़ोटो हो जाए इसके साथ। बेसिकली मोटाई इसकी ज़्यादा है, और ये वो वाला जो रेड गियर माउस आता है इलाइट G9 शायद, मैं मॉडल नंबर सही बोल रहा हूँ, उसके साथ मिलता है फ्री में। 1000 रुपये का माउस आता है, 1000 रुपल्ली का माउस आता है उसके साथ भाई, फ्री मिलता है। और ये पेड़ है भाई, कत्ता ही जहर पेड़, 400 का पड़ता है, आप मंगवा सकते हो अगर आप चाहो। और हम माउस मत देखना, माउस खतरनाक है हमारा। तो आज इसको जल्दी से हम सेट अप कर लेते हैं खतरनाक रूप से। ओके, कीबोर्ड कोई गेमिंग वेमिंग नहीं है लल्ला, ओ बबुआ कीबोर्ड नहीं है कोई गेमिंग। तो उसको हम रखेंगे, इसको हम जल्दी से इधर रख देते हैं। ओ भाई सही है, काफ़ी मतलब ब्रेक मार रहा है भाई। मैं उससे बड़ा वाला भी मंगाना चाहता था, वो आता है 700 का, लेकिन वो यूज़ नहीं होता ना फिर, इसलिए मैं इतना ही रखो भाई। ये वो वाला सिस्टम अंदर बाहर वाला, ये अंदर बाहर वाला सिस्टम है, इस वजह से इतना ही रखो। ऊपर होता ना तो मैं बड़ा वाला मंगवा लेता। तो गाइस चलो वैलोरेंट खेलते हैं। वैलोरेंट ए लैग क्यों कर रहा है।
140 FPS आ रहे हैं 1650 यार। पूरे भाई साहब बहुत फर्क पड़ा गाइस। अब भाई मैं खेलता ही नू हूं तो क्या फायदा। और भाई वो स्पीड टाइप का ये मैं भूल ही गया बताना, शुरू में ही बताना था मेरे को स्पीड टाइप का है। एक प्रॉब्लम है गाइस इसकी, वाटर प्रूफ नहीं है। स्पिन बॉट का आता है ना वो वाटर प्रूफ होता है, ये वाटर प्रूफ नहीं है। तो भाई क्या इस पे नहाने वाले हो तुम, बात कर रहे हो। वैसे माउस ना बहुत ज्यादा स्लाइडी है, नेक्स्ट लेवल स्लाइडी गाइस। तो गाइस माउस के अगर रिव्यू के बारे में बात की जाए तो रिव्यू हम देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे और आपको सिंपली हम बताएंगे। बेसिकली अगर माउस पैड के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्लाइडिंग है, माउस के लिए स्लाइडिंग है। अगर आप हाथ रख के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई स्लिपरी सरफेस नहीं है, लेकिन माउस काफ़ी अच्छे से स्लाइड करता है क्योंकि ये स्पीड टाइप है। अगर किसी को नहीं पता स्पीड टाइप और कंट्रोल टाइप क्या होता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। बेसिकली स्पीड टाइप माउस, बेसिकली दो तरह के माउस पैड होते हैं, स्पीड टाइप एंड कंट्रोल टाइप। कंट्रोल टाइप में जो हमारे सरफेस होती है वो कम स्लिपरी होती है, और जो हमारा स्पीड टाइप होता है उसमें जो सरफेस होती है माउस पैड की वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होती है। तो मेरा वाला ये है स्पीड टाइप वाला है। तो गाइस लास्ट में वही जो सब बोलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो एक, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कि मुझे नेक्स्ट टाइम कैसी वीडियो बनानी चाहिए थी, क्योंकि हमारा देश समझ रहे हो। ओके गाइस, एक शेयर ओनली, और शेयर ऐसी जगह करना, और शेयर ऐसी जगह करना जो मतलब बंदा इंटरेस्टेड हो ऐसी चीज़ों में। ऐसा नहीं है भाई भेज दिए बच्चों के पास या फिर बड़े बूढ़ों के पास, तो कहें ये कहाँ है बेटा, ये कौन सी किताब ले आए तुम, ऐसे कहेंगे भाई, उनको पता ही नहीं माउस पैड क्या होता है। ठीक है तो चलते हैं फिर।